ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा हाथ ना छोड़ेंगे। यारियां दिलदारियां होने लगी है क्यों, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठाकर। ये लाइन सुनती आपको किसकी याद है, शायद अपने दोस्त की। जी हाँ, हमारी जिंदगी में एक दोस्त ही ऐसा होता है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ होता है। कहते हैं भगवान जो है वो ऊपर से ही सारे रिश्ते बनाकर देते हैं, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता होता है वो हम खुद बनाते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी में एक दोस्त की जो भूमिका होती है वो बेहद ही खास होती है। हम अपने दोस्त की व्याख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो हमारी जिंदगी में वैल्यू होती है वो हम बता सकते हैं। इसीलिए अपने दोस्ती के लिए एक दिन होता है जिसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं। आज वही दिन है और आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जिंदगी में उनके दोस्त उनके लिए कितने खास। अच्छा, हाय, अपना खुशबू, ये बताओ आप कौन सी क्लास में? सिक्स्थ में। आपके दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? रिया। अच्छा रिया, अब अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, देखो खुशबू ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। आप रिया के लिए क्या बोलना चाहोगे फ्रेंडशिप में? कैसे रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरे साथ स्कूल में बहुत अच्छे से बिहेव करती है और बहुत आई लव तनिषा। तनिषा आप कौन क्लास में? आप भी सिक्स में हो, आपकी कौन बेस्ट फ्रेंड है? अच्छा, दोस्त तो इतने सारे होते हैं लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड अलीना। अलीना, अलीना अभी देख लेना देखो भाई, अब आप क्या कहेंगे अलीना को? अलीना मतलब मेरे संग बहुत अच्छे से रहती है। कोई ऑफिस में पढ़ती है? मिस करते हो अलीना को? हाँ, बहुत ज़्यादा। बात बात होती है अलीना से? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप अलीना को? अलीना एक बहुत अच्छी लड़की है और उन्हें मुझे गिफ्ट दिया था, मैं छल्ला दिया था एक, उसमें मेरा नाम भी था। अरे वाह यार। अच्छा अलीना ने इतना सुंदर आपको गिफ्ट दिया, अब फ्रेंडशिप डे का मौका है, अब अलीना के लिए एक गाना गा दो कोई सा भी। अलीना आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, कोई अच्छा सा दोस्ती वाला गाना गा दो। गा दो, गा दो, ऐसे गा दो, बोलो बोलो। हाय, आपका नाम? परी। परी, आप परी के जैसे रहती है, खूबसूरत हो और आपकी स्माइल भी बहुत ही अच्छी है। अच्छा आप बताओ कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ। आप भी सिक्स्थ में? यहाँ पे सभी सिक्स्थ में, क्या आप सब दोस्त हो गया? हाँ। अच्छा, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में है, और आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये है आपका नाम। अरे अब हमें देखो, दो बेस्ट फ्रेंड आपस में मिल गए, अब हम देखेंगे कि कौन किसको ज़्यादा जानता है, ठीक है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? परी। परी की बेस्ट फ्रेंड ईशू और ईशू की बेस्ट फ्रेंड परी। अच्छा, आप परी की एक अच्छी आदत बताओ, एक अच्छी बुरी आदत बताओ। अब खुलेगी वो। चलो, ईशू एक बहुत अच्छी लड़की है, उसकी मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। और ऐसी कोई ईशू में ऐसी कोई अच्छी आदत नहीं है जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन वो बार बार करती है? वो गंदी आदत है उसकी। दोस्तों में तो ऐसा चलता है यार, है ना, चलता है ना, है ना। अब आप इनकी एक अच्छी आदत एक बुरी आदत बताओ। इन्होंने बुरी आदत नहीं बताई, लेकिन आप बच्चे बताओ। चलो बताओ, अच्छी आदत बताओ पहले। अच्छी की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कैसी बोलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूट मिल जाती है। अजय जोशी। अजय कहाँ से आए हो आप? यहीं पर हल्द्वानी से ही है। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? एट में हो आप? मेरे दोस्त खेलते हैं यहाँ? नहीं, वैसे तो दोस्त होंगे, स्कूल में दोस्त हैं। अच्छा तो एक बेस्ट फ्रेंड है आपका, क्या नाम है? पारस। पारस आपका बेस्ट फ्रेंड है, अभी पारस ये वीडियो देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा कि आपने उसका नाम लिया। आप बताओ पारस की एक अच्छी आदत एक बुरी आदत, क्योंकि फ्रेंडशिप डे का मौका है, अब अपने दोस्त को तो आप अच्छी और बुरी तो बता ही सकते हो। अच्छी आदत भी नहीं है उसमें? नहीं है क्या? अच्छी क्या, अच्छी क्या आदत रखती है उसमें? मतलब आपको वो करा देता है, वो पिटने से बचा देता है टीचर से, है ना। और एक बुरी आदत जो उसको सुधारनी चाहिए? बुरी आदत तो कहीं भी बोलनी चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो भाई गलत बात है, घर पे पूछ के जाओ और इनको भी लेके जाओ, आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, है ना, लेके जाना है ना, क्या मेरे को भी साथ में लेके जाना और घर पे बता के लेके। अच्छा ये बताओ आप कौन सी क्लास में? एट में। टेंथ हो जाएगी आपकी बार, उसके बाद दोनों ही क्लास में पढ़ते हो, के बाद मिस करोगे एक दूसरे को?
करोगे ना फिर, या दोनों ही 11th में एक साथ एडमिशन लेने वाले हो? एक साथ लेंगे, मतलब तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना? सर चलिए सर। आपका नाम? कुनाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ, आपके बहुत सारे दोस्त हैं? हाँ बहुत सारे हैं। थोड़े से ही हैं मेरे अभी तो, थोड़े से ही, क्योंकि अभी अभी नया स्कूल। अभी पुराने दोस्तों होंगे पुराने स्कूल में? तो उन सब में कोई ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड? हाँ पवन। पवन, पवन है। पवन क्या नाम है आपका? कुनाल। कुनाल ने बताया कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा अब हमें पवन की एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताओ। उसकी एक अच्छी आदत ये थी कि वो अपना काम पूरा ही नहीं करता था। मैं उससे बोलती थी कि अपना काम कर ले। वो जब मैं इतने बार कहती थी, उसे मारती थी, उसी टाइम उसका काम पूरा होता था। अच्छा मतलब पिटाई होती थी? हाँ। आपको बुरा लगता था? हाँ। अच्छा कि एक और अच्छी आदत थी कि वो जब मैम बोलती थी काम कर ले, तो वो सारा काम कर लेता था एक ही बार में। अच्छा मतलब पिटने के बाद कर लेता था? हाँ। पहले नहीं करता था? नहीं। अच्छा ये अच्छी आदत है उसकी बुरी? ये अच्छी आदत है, बुरी भी यही है, अच्छी भी। ये अच्छी मतलब पिटाई खाली लेगा वो? हाँ। बुरी आदत, और बाद में काम कर लेगा वो अच्छी आदत, मतलब कर लेता है। तुम उसे कहते नहीं हो कि पिटाई कर भाई पहले कर ले करके? हाँ मैं कहता हूँ, वो बोलता है मैं कर लूंगा तू अपनी टेंशन ले ले। अच्छा आपकी साथ ही पढ़ता है वो? हाँ। आपके साथ ही पढ़ता है कि क्लास में? हाँ मेरी क्लास में ही पढ़ता है। अभी तो आपने स्कूल चेंज करा, फिर भी साथ ही? हाँ, पुराने स्कूल में पढ़ता था ना। अब नहीं है, मिस करते हो उसे? मिस करते हो? अच्छा ये जैसे कि आज फ्रेंडशिप डे है, अपने दोस्त को कौन सा गाना आप डेडिकेट करोगे? मैं उसके लिए मैं गाना क्यों बोलूँगा, मैं तो उससे बस बोल दूंगा हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नहीं हमें हमें तो बताओ कि एक ऐसा दोस्ती वाला गाना जो आप उसको कहना चाहोगे। मैं कहना चाहूँगा तू मेरा बस सबसे अच्छा दोस्त है। अरे वाह। हेलो। हाँ हेलो। हेलो हेलो। आपका नाम? पारस। पारस कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ में पढ़ते हो ना? हाँ। अच्छा तो ये बताओ आपके दोस्त हैं? हाँ है। कम है ज़्यादा? ज़्यादा हैं। कम है। हाँ। उन कम में से कोई एक बेस्ट फ्रेंड है आपका? हाँ। क्या नाम है? हर्षित। हर्षित है। हाँ। अच्छा तो हर्षित के बारे में क्या कहना चाहोगे, आज फ्रेंडशिप डे है तो क्या कहना चाहोगे? हर्षित बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा है। हाँ। क्या अच्छी बात है उसमें जो वो बहुत 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 अच्छा है? वो लड़ाई नहीं करता है किसी से नहीं करता। आप उससे लड़ते हो? नहीं लड़ते। तो एक उसकी कोई बुरी आदत बताओ। बुरी आदत? उसकी बुरी आदत है वो सीढ़ियों में ज़्यादा जल्दी बहुत कूदता है, जल्दी जाता है। हाँ उससे गिरने का खतरा रहता है ना? आप उससे कहते नहीं हो भाई मत से? वो पीछे रहता है मैं आगे हूँ। अच्छा वो पीछे रहता है आप आगे रहते हो? हाँ। अच्छा तो और कुछ अच्छी, और कुछ अच्छी बात बताओ अपने दोस्त के बारे में। और सब सही? सब सही है, सब अच्छा है, कोई बुरा चीज़ नहीं है, बस यही है, बस सीढ़ियों में बहुत जल्दी जल्दी चलता है वो। हाँ। है? हाँ। अच्छा तो एक आज फ्रेंडशिप डे है। हाँ। तो एक अच्छा सा गाना अपने दोस्त के लिए गाना चाहोगे, या ऐसी बता दो कोई सा गाना उसके लिए जो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा हाथ ना छोड़ेंगे। अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू। हाय। हाय। आपका नाम क्या है? दिशा कश्यप। दिशा कश्यप। दिशा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ। फोर्थ में पढ़ते हो। अच्छा आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। क्या नाम है उसका? आरुषि धामी। आरुषि धामी, दोनों एक ही साथ पढ़ते हो? हाँ। है? हाँ। अच्छा तो आरुषि ये बताओ हमें, आरुषि अच्छी है या बुरी है? बहुत अच्छी है। तो ऐसे उसमें क्या अच्छी बात है? वो मेरे साथ काम शेयर करती है। अच्छा। जब भी मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती वो मेरे साथ शेयर करती है। ओके। और कभी कभी मुझे हम दोनों एक दूसरे को मारते भी हैं। फिर लड़ाई नहीं होती? नहीं होती। अच्छा तो हमें अब उनकी एक अच्छी एक बुरी आदत बताओ। मेरी दोस्त मेरे साथ लंच नहीं शेयर करती है, मैडम की बात ही मानते हैं, हमको एक बार भी मैडम से थप्पड़ नहीं मिला है। दोनों को ही नहीं मिला है ना? बाकी क्लास को मिला है? अच्छा वाह यार। हम तो एक दूसरे के साथ हमेशा बैठते हैं। दोनों एक साथ बैठते हैं? मैडम कुछ नहीं कहती हैं, दोनों एक साथ क्यों बैठते हो? नहीं बैठते। शैतानी करते हो? नहीं। कौन ज्यादा शैतान है, आप ज्यादा शैतान हो या वो ज्यादा शैतान है? मारती रहती। वो तुम्हें मारती रहती है? अच्छा फिर तुम भी मारते हो या नहीं मारते हो? मारती हूँ। मारते हो आप भी? अच्छा अच्छा तो एक अच्छा सा उनके लिए कोई गाना है आपके मन में? नहीं है। कुछ कहना चाहोगी अपनी दोस्त को? मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा तो ये बताइए आपके दोस्त हैं?
सोच तो बहुत ही है। अच्छा, एक पक्का दोस्त क्योंकि मैं आर्मी वाला हूँ तो मैंने पूरे इंडिया के अंदर घुमा हुआ हूँ, मतलब पूरे देश में आपने दोस्त बनाया है। कोई वहाँ जहाँ गया तो वहाँ कोई ना कोई अपना हो ही जाता है। सेना के आप सेना से हैं और सेना वाले तो भाई पूरे देश में प्यार फैला कर आए हैं। एक कोई पक्का दोस्त है आपका? दोस्त तो ऐसे बहुत है और है दो तीन ऐसे, कुछ तो एक जो एक्सपायर हो गए मेरे साथ है, मेरी 74 एज हो गई है और 20 ईयर्स हो गया मेरे रिटायरमेंट आए हुए। आप उन्हें मिस करते हैं? तो पक्का करता हूँ, जो मेरे साथ के चले गए मेरे जवान और भी साथी थे स्टूडेंट स्कूल लाइफ में और ख़ासकर जो मेरे साथी फौज में जिनके साथ मैं 20 साल गए उनमें कुछ है कुछ चले गए उनको मैं मिस करता हूँ। अच्छा, तो उसमें कुछ लड़के थे जो ये गाँव में चला गया, इसमें ऐसे चीज़ें महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते थे कि आप जैसे हम वहाँ जे एंड के भी चले गए, वहाँ से लड़क बराबर यहाँ चले गए हिमाचल के वहाँ भी है आप घुमाओगे तो आपको मालूम ही है। अच्छा, वहाँ आसाम साइड चले गए तो वहाँ दार्जिलिंग में तो दारू दारू देखती है अलगर में वहाँ लेडीज और शिकम में अच्छी आदत क्या है इंसान को अपना शरीर को अच्छा डालना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ में उसको परेशानी नहीं हुआ। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? तनुजा। मैम, जैसे कि आज फ्रेंडशिप डे है, ऐसे में हम महिलाओं से जानना चाहते हैं कि उनके बचपन में उनके दोस्त कैसे थे, आप कुछ बताएंगी? ये है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, भाभी भी है, भाभी भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है। मेरा नाम सोना है। अच्छा, ये मेरी देवरानी है। देवरानी जेठानी वाला जो रिश्ता होता है ना वो बहुत गलत सोचते हैं लोग कि भाई देवरानी जेठानी की बनती नहीं है, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एक बहन की तरह है। हाँ, हंसते बोलते रहते हैं, क्या है, जैसे पहले रहते हैं वैसे हम भी रहते हैं। अच्छा, जब आप स्कूल टाइम में थे तो आपने अपने दोस्तों के साथ कभी स्कूल बंक करा था? हाँ बिल्कुल। घर में बताया? नहीं, घर में नहीं बताया। आपने करा था? हाँ बिल्कुल। अब स्कूल टाइम में तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत फ्रेंड्स थे, बहुत मिस करते हैं उनको। हाँ, मिस करते हैं। कुछ मिलने कांटेक्ट में है? हाँ है, अभी कॉलेज में। तो ऐसा होता है कि भाई चलो कहीं चलते हैं घूमने एकदम? अभी तो कुछ नहीं है, अभी है यही पास ही में है एक दो फ्रेंड। हाँ, कभी कभी मिल लेते हैं बस। कभी कभी मिल लेते हैं। वैसे मिस करते होंगे ना जो स्कूल वाले दिन है? स्कूल वाले दिन है जो वाले मिस? हाँ, स्कूल वाले दिन तो बहुत मिस करते हैं। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे आज फ्रेंडशिप डे के मौके? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो देखा आपने, आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर हमने बात करी हल्द्वानी के छोटे छोटे बच्चों से जिन्होंने हमें अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताए और प्यारा प्यारा जो एक गाना है वो उनको डेडिकेट करा। वही एक अंकल हमें ऐसे मिले थे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी सीख हमें दी कि नशा जो है वो बहुत ही घातक है हमारे शरीर के लिए, तो इसका सेवन ना करें, और उन्होंने लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। तो फ्रेंडशिप डे का हमारा जो ये खास प्रोग्राम है इसको मैं अभी यहाँ के लिए समाप्त करती हूँ। मैं अपने सहयोगी रक्षित टंडन के साथ निशा उप्रेती, जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।